जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। हम लोग लगातार आपको आपकी राशि के अनुसार वर्षफल कैसा रहने वाला है ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। राशि अनुसार उपाय आपको क्या करने चाहिए, सरल सरल छोटे छोटे उपाय और टोटके हमने आपको बताए। अब इसी क्रम में बारी आ जाती है न्यूमरोलॉजी की। जी हाँ, अंक ज्योतिष, अंक शास्त्र जिसे कहते हैं, तो न्यूमरोलॉजी से आपका भविष्य क्या कहता है। कभी सोचा आपने कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके लिए 2016 कैसा रहने वाला है? तो आइए इस क्रम में भी हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं, 1 से लेकर 9 नंबर तक के लिए भविष्य कैसा रहेगा, वर्ष 2016 क्या कहता है, आइए मैं आपको बताता हूं। अंकों का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव होता है। अंक ज्योतिष अंकों के आधार पर ही मनुष्य के भविष्य का आकलन करता है। अंक ज्योतिष पर आधारित राशिफल जो होते हैं वह बेहद सटीक होते हैं, उन फलादेशों को बहुत सटीक माना जाता है। साल 2016 जो है अब लगभग आ ही चुका है, ऐसे में आप भी अंकों के माध्यम से जान सकते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला ये 2016 नया साल। अंक ज्योतिष में सर्वाधिक महात्म यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी का होता है तो वह किसी भी व्यक्ति के मूलांक का होता है। मूलांक हमारी पूर्ण जन्म तिथि का योग होता है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जन्म 11/11/2016 को हुआ है तो इन सबको जोड़ करके 1 से 9 के बीच में कोई एक नंबर आपको बना देना है, तो 11/11/2016 का टोटल होगा 4 नंबर। तो अंक ज्योतिष में कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज का है तो वो आपके मूलांक का है, आपकी टोटल नंबर का होता है। मूलांक हमारे जन्मतिथि का पूर्ण योग होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप अपना जन्मतिथि का जो मूलांक है, टोटल नंबर, बर्थ नंबर जिसे कहते हैं, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके आधार पर आप जान जाएंगे, आपको अब अपना एक नंबर मिल गया है। तो भाई मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सा नंबर किस जातक के लिए कैसा व्यवहार करने वाला है, किस जातक के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2016। इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मूलांक एक की। मूलांक एक से जुड़े लोगों के लिए साल 2016 बेहद कामयाब, बेहद सक्सेसफुल ईयर रहने वाला है। इस साल कामयाबी का मुख्य सूत्र आपके लिए है खुद पर नियंत्रण रखना और जितना हो सके अपने अंदर लीडरशिप की स्किल को और ज्यादा बढ़ाना, डेवलप करना, उसको और ज्यादा लाना। 2016 में आपको कुछ अपने अंदर बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। इस साल जितना संभव हो आप विवादों से दूर रहें, अकेलेपन को खुद से दूर रखने का आपको संकल्प करना चाहिए। अंक एक जो होता है वो बेहद सुलझा हुआ नंबर होता है, इसलिए आप भी बहुत ही सुलझे हुए इंसान की तरह लोगों से पेश आए तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इस 2016 को शुभ बनाने के लिए एक नंबर वाले जातक लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आप कुछ बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, बट आपको अपने लिए कुछ पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा। इस साल नौकरी, घर या अपने फोन आदि को बदलने का फैसला आपके लिए सही सिद्ध हो सकता है। इस साल अपने सपने को आप जल्दी पूरा करने के लिए कुछ ज्यादा प्रयास कर सकते हैं। आप खुद को बेहतर और बेहद ऊर्जावान पाएंगे, पहले से कुछ ज्यादा आपके अंदर एनर्जी होगी, बहुत एनर्जेटिक आप फील करेंगे। ये ऊर्जा आपको मुश्किल घड़ी में भी बाहर निकलने में बहुत मदद करेगी।
राशिफल 2016 के अनुसार आप अपने सपने जो है, जो कुछ भी आपने सपने संजोए हैं उनके लिए अगर आप प्रयास करें तो उनमें से काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप पूरा कर पाएंगे। तो ये तो बात रही मूलांक एक की, आइए अब जानते हैं मूलांक दो के बारे में। मूलांक दो के लिए वर्ष 2016 कैसा रहने वाला है? मूलांक दो के जातकों के लिए वर्ष 2016 में थोड़ा सा सतर्क होकर के रहना चाहिए। अंक ज्योतिष राशिफल 2016 के अनुसार इस साल अगर चीजें आपके मन मुताबिक ना हो तो घबराने की बजाय खुद को दृढ़ निश्चयी बनाने पर आपको जोर देना चाहिए। हो सकता है इस कठिन घड़ी में आप खुद को थोड़ा सा अकेला और असहाय महसूस करें, लेकिन वक्त आने पर उपयुक्त व्यक्ति आपकी मदद के लिए अवश्य सामने आ जाएंगे। 2016 में अंक दो वालों को कुछ चीजें नहीं भी करनी चाहिए। इस साल आप बहुत ज्यादा दुश्मन ना बनाएं, लोगों से बहुत सौम्य व्यवहार करें, आप ऐसा कोई भी बिहेवियर ना करें जिससे लोग आपके अगेंस्ट जाएं। अब कोई जबरदस्ती आपके अगेंस्ट जाता है तो आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। जितना हो सके आपको सौम्य रहना है और लोगों से घुल मिल करके रहना है, दोस्त बनाने का प्रयास करना है, लोगों का दिल जीतने का प्रयास करना है। नए दोस्त और नए पार्टनरशिप आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। जीवन साथी या प्रेमी से तो झगड़े के विषय में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है, कोई रिलेशनशिप है, तो पार्टनर के साथ किसी भी तरीके का वाद विवाद आप न करें, ना अगर कोई चल रहा हो तो उसको बढ़ाइए भी मत। इस साल की गई लड़ाई या मनमुटाव के परिणाम जो है आपके लिए बहुत भयावह और बहुत ज्यादा परेशान करने वाले आपके सामने आ सकते हैं। 2016 में आपको कुछ बातें जरूर करनी चाहिए, आइए जानते हैं वो क्या है। इस साल जितना हो सके आप नए दोस्त बनाएं। 2016 में अंक दो वालों को कुछ चीजें करनी चाहिए, वो चीजें कौन कौन सी हैं? इस साल जितना हो सके आपको लोगों का दिल जीतने का प्रयास करना है, नए दोस्त बनाइए, अपना सर्किल, अपना दायरा और बढ़ाते चले जाइए। ये जो नए दोस्त बनेंगे, जो नए संबंध डेवलप होंगे, ये आने वाले समय में आपको इनके साथ कुछ नई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, कुछ नए रास्ते भी मिलेंगे, विचारों के आदान प्रदान भी होंगे, तो इसमें आपको सफलता की स्थिति जो है, जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है सक्सेस का, वो बढ़ने के चांसेस रहेंगे। रिश्तों को लेकर के इस साल आपको सजग रहने की आवश्यकता है। इस साल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको जरूरी लय प्राप्त होगी, आप एक कंटिन्यूटी में आ जाएंगे, एक रिदम में आ जाएंगे। इस साल चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुएं जैसे चांदी, चावल आदि का उपयोग आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो खुद तो यूज करना ही है, इसका दान आपको बहुत ज्यादा करना चाहिए। आप अगर हर सोमवार इन चीजों का दान करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलता रहेगा। कर लेते हैं मूलांक तीन की, जिनका टोटल नंबर यानी जिनका बर्थ नंबर तीन बनता हो उनके लिए 2016 कैसा रहने वाला है। अंक ज्योतिष राशिफल 2016 के अनुसार मूलांक तीन के जातकों के लिए ये साल मिला जुला असर लेकर के आ रहा है। इस साल अंक तीन के जातकों की ख्वाहिशें, डिमांड्स, इच्छाएं बहुत ज्यादा रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, और बढ़ती ख्वाहिशें कई बार आपके लिए अच्छे तो कई बार बुरे परिणाम भी लेकर के आती है। हालांकि आपकी चाहते इस साल आपको काम करते रहने के लिए प्रेरणा देगी, जो आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर भी सिद्ध होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको 2016 में क्या नहीं करना चाहिए। मूलांक तीन के जातकों को इस साल पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो ओवर स्पीडिंग से बचें। जितना जरूरत हो उतना ही आपको खर्च करना चाहिए, यानी अगर आप जब ड्राइव करते हैं तो ओवर स्पीडिंग ना करें, और अपने खर्चों पर भी आप नियंत्रण रखें, यानी अपने स्पेंडिंग पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पैसा बचा करके न चलने की आदत आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। आपको ध्यान ये रखना है, याद रखना है कि साल 2016 में जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। इसलिए जितना हो सके अपने व्यवहार और अपने काम को संगठित करने की आवश्यकता है। आपका काम अभी बहुत फैला हुआ, बहुत विस्तारित है, बहुत अस्त व्यस्त है, तो उसको ऑर्गेनाइज करिए, उसको संगठित करिए, तो आपको लाभ मिलेगा।
किस तरीके से आप क्या करें कि 2016 आपके लिए बेहतर हो जाए। इस साल तीर्थ इत्यादि जाने का योग आपके लिए बनता है, तो आप जब भी जाएं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को भी अपने साथ लेके जाएं। इस साल जब मन करे घूमने जाएं, जहां इच्छा हो वहां आप जा सकते हैं और नए दोस्त बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये आपको कठिन समय में मुस्कुराने का एक नया हौसला, नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इस साल विकास और बदलाव दोनों ही आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। जीवन में कई क्षेत्रों में आप प्रगति करेंगे। ट्रांसफर या नई प्रॉपर्टी खरीदने लेने के भी चांसेस आपके लिए बनते हैं। इस साल आपको कोशिश ये करना है कि कोई नई प्रतिभा, कोई नई चीज आप सीखें, कुछ नए ज्ञान को भी आप प्राप्त करें। ये चीजें आने वाले समय में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। रचनात्मक कार्यों में उनके प्रति जुड़ाव आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो ये बात रही मूलांक तीन की, जिनका टोटल नंबर तीन बनता था, वो इस तरीके से 2016 को अपने पक्ष में अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं मूलांक चार के लिए 2016 क्या कहता है। मूलांक चार के जातकों के लिए वर्ष 2016 आत्मचिंतन का, सेल्फ स्टडी का वर्ष होगा। आपको खुद को अपने बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा, थोड़ा सा चिंतन करना होगा। यह साल आने वाले समय के लिए प्लानिंग के लिहाज से बहुत ही बेहतर सिद्ध हो सकता है। इस साल आप किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें, उस कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। खुद को व्यवस्थित रखने के लिए इस साल आपको बहुत ज्यादा, या यूं कह लें कि पहले से कहीं ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ सकता है। इस साल में आपको क्या चीजें करने से बचना चाहिए, ये भी जान लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस साल बिना सोचे समझे काम को करने की आदत ना डालें। जितना हो सके अपने काम को सही ढंग से प्लान करके ही करना चाहिए। इस साल ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचे, नुकसान पहुंचे। अंक ज्योतिष के अनुसार इस साल आप किसी तरीके का किसी भी व्यक्ति के साथ घमंड करने से बचें तो आपको फायदा मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं कि आपको 2016 में कौन कौन से काम करने चाहिए। साल 2016 में अंक ज्योतिष आपको पूरी तरीके से व्यवस्थित होकर के काम करने की सलाह देता है। आपके नंबर बताते हैं कि आपको किस तरीके से अपने इस साल को प्लान करना है, इस साल में अपनी लाइफ को प्लान करना है, और इन चीजों को, जो भी आपने प्लान किया है, प्लान की गई चीजों और कामों में आपको फिर कहीं सफलता प्राप्त हो सकती है। इस साल अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को सुधारने और बढ़ाने का भी आपको प्रयास करना चाहिए। आने वाले समय में ये आपको काम आ सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ इस साल दिमागी कसरत पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए बनती है। मूलांक चार के लिए साल 2016 में मेहनत करने के योग बनते हैं। इस साल आपको पिछले साल की तुलना में अधिक मेहनत करने की सलाह दी जाती है। इस साल समय तेजी से तो नहीं बदलेगा, इसलिए हो सकता है कि आपको अधिक मेहनत का कम फल मिले, यानी आप मेहनत जितनी करें उसकी तुलना में रिजल्ट कम आए, लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए। इस चीज से आप घबराइए मत। इस साल ये चीज याद रखें कि सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। काम करने के लिए आप नए तरीके भी तलाश सकते हैं। शनि और चंद्रमा के कारण मूलांक चार के जातकों को इस साल पहले से कहीं ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। आइए बात कर लेते हैं मूलांक पांच की, यानी मूलांक पांच के लिए 2016 कैसा रहने वाला है। मूलांक पांच के लिए साल 2016 जो है बदलावों और परिवर्तन का साल रहने वाला है। इस साल अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव करने पड़े तो उनमें आप झिझकिए मत, पीछे मत हटिए, उन बदलावों को आप स्वीकार करिए, क्योंकि परिवर्तन जो है ये प्रकृति का नियम है। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो बदलाव को स्वीकार करें, बदलाव अवश्य करें। जो भी परिवर्तन होगा वो आपके पक्ष में आपके बेहतरी के लिए होगा। और अगर आपको सब कुछ बदला बदला सा नजर आता है तो थोड़े दिन थोड़ा सा आपको अटपटा जरूर लगेगा। ऐसे में आप घबराइए नहीं, ये मान के चलिए कि ईश्वर की यही इच्छा थी और ये नंबरों का खेल है। नंबर की गणित आपको आपके जीवन में बेहतरी की तरफ लेकर के जा रही है। आइए मैं आपको बताता हूं कि 2016 में पांच नंबर वाले जातक लोगों को कौन से काम करने से बचना चाहिए।
किसी भी परिस्थिति को जांचे परखे बिना काम न करें, अन्यथा गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस साल अगर आपको बदलाव करना पड़े तो आप उसमें पीछे न हटें, घबराए नहीं, खुद को परिस्थिति का गुलाम ना बनाएं और न ही दूसरों पर अपनी राय थोपें। जितना हो सके आपको उन्मुक्त विचार रखने चाहिए, खुले दिमाग रखें, खुली सोच रखें तो आपको फायदा मिलेगा। आइए मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें 2016 में आपको अवश्य करना है। साल 2016 में मूलांक 5 के जातकों को अपने जीवन के बारे में गंभीर चिंतन करना है, अच्छे से सोचना है, अपने लिए एक करियर, एक दिशा निर्धारित करनी है और इसमें बदलाव की अगर आवश्यकता हो, आपको लगता हो, अगर आप फील करें कि आप थोड़ा सा कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं, आपको अपने करियर में कुछ चेंज लाने की जरूरत है, तो उसमें झिझकिए मत। बहुत मत सोचिए कि अभी इतना टाइम बीत चुका है कैसे होगा, उसको कर डालिए। थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आने वाला समय आपका बेहतर हो जाएगा। ऐसे बदलाव आने वाले समय में आपके हित में सही सिद्ध होंगे। इस साल आप अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास कर सकते हैं, इसका परिणाम बेहद सुखद होगा आपके लिए। बुध ग्रह के प्रभाव के कारण इस साल आप दूसरों के समक्ष खुद को बेहतर ढंग से पेश कर पाएंगे। आपका अपना जो प्रेजेंटेशन होगा, अपनी पर्सनैलिटी को आप सही तरीके से प्रोजेक्ट कर पाएंगे। आइए अब जानते हैं मूलांक 6 के बारे में क्या कहता है, आपके सितारे क्या कहते हैं, किस तरीके से आप ऐसे कौन से काम है जिन्हें करें और ऐसे कौन से काम है जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। साल 2016 में मूलांक 6 के जातकों के लिए अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। साल 2016 में की गई नई दोस्ती या बनाए गए नए संबंध आने वाले समय में आपको बहुत बेहतर परिणाम देंगे। दोस्तों के साथ साल 2016 नई चीजें या नई प्रतिभाएं सीखने का एक बेहतर संयोग, बेहतर अवसर लेकर के आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिनको 2016 में आपको नहीं करना है। साल 2016 में मूलांक 6 के जातकों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है, आप बिंदास रह सकते हैं। इस साल बस नए दोस्तों की चाहत में पुराने दोस्तों को आप इग्नोर मत करिए, उनको छोड़ते मत जाइए, उनसे मुंह मत मोड़ लीजिए। ईगो को खुद से दूर रखें ताकि लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आ सकें। आपसे घुलना मिलना लोग पसंद करें, ऐसा आपको अपना व्यवहार रखना चाहिए। अगर इस समय में आप ईगो या घमंड करते हैं तो नुकसान ऐसी स्थिति में आपका ही होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि साल 2016 में मूलांक 6 वाले जातकों को करना क्या क्या है। अंक ज्योतिष के अनुसार साल 2016 में मूलांक 6 के जातकों को सोशल बनने का प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके दूसरों की मदद के लिए आपको तत्पर रहना है, नए मित्र बनाने में आपको देरी नहीं करनी है, अपना सोशल सर्किल आप और बढ़ाइए। लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि पुराने मित्र ना छूटे और नए मित्र बनाने की चाहत में गलत दोस्तों की आप संगत ना कर बैठे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरों की मदद करने का सबसे बेहतर परिणाम आपके लिए ये होगा कि समय आने पर आपको भी मदद करने के लिए हजारों हाथ एक बार में उठेंगे, लोग आपके लिए भी तैयार रहेंगे। इस बात को आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का आप प्रयास करें। इस साल परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी आप बना सकते हैं। अब बारी आ जाती है मूलांक 7 की। अंक ज्योतिष के अनुसार साल 2016 मूलांक 7 के जातकों के लिए आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन का एक महत्वपूर्ण काल है। इस साल का पूरा लाभ उठाएं और अपनी कमियों को पहचान करके उनको सुधारने, उनको दूर करने का प्रयास करें। इस साल किसी काम को करने से पहले फोकस आपको अपने काम पर बनाना बहुत जरूरी है। साल 2016 में आपको कौन कौन से काम नहीं करने हैं ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है। तो मूलांक 7 के जातकों को साल 2016 में आत्मचिंतन तो करना ही है, लेकिन सोच विचार इतना भी नहीं खोना चाहिए कि आप काम ही न कर पाए। आप सोच विचार में, चिंतन में इतना लीन हो गए कि अपनी दैनिक, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से ही आप विचलित हो गए, विमुख हो गए, तो ऐसा भी नहीं करना है।
खुद को बिजी रखें, खुद को ज्यादा से ज्यादा समय कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखें, व्यस्त रखें, अन्यथा कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो शैतानियों के कारण, कुछ नेगेटिव थॉट्स के कारण आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। साल 2016 में मूलांक सात वाले जातकों को करना क्या है ये भी जान लीजिए। मूलांक सात के फलादेश के अनुसार साल 2016 में इस अंक के जातकों को अपने आने वाले समय के लिए बेहतर प्लान करके सोचना चाहिए। इस साल धार्मिक कार्यों में आपका मन बहुत लगेगा, धर्म कर्म पूजा पाठ करते रहने से आपको लाभ मिलता रहेगा। अब बारी आ जाती है मूलांक आठ की। मूलांक आठ के जातकों के लिए साल 2016 जो है नई संभावनाएं लेकर के आएगा। इस साल में आप विकास भी कर सकेंगे। अपने काम के बारे में थोड़ा सा आपको चेक करना चाहिए कि आप अपनी योग्यता के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार सही फील्ड में, सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ और डिग्री लेनी चाहिए या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, जॉब स्विच करना चाहिए, तो ये सारी संभावनाएं, सारे चांसेस आपके लिए बनते हैं। आप ट्राई करेंगे तो आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। इस साल खुद में किए गए बदलावों का असर आने वाले सालों में, आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। इस साल मूलांक आठ के जो व्यापारी बंधु लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, जिनका नंबर एट बनता है, वो उनके लिए ये साल बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। सफलता उनके हिस्से में आने वाली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि साल 2016 में आपको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। इस साल केवल अपने मन की बात आप सुने, दूसरों के कहनुसार काम करने से आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो उसका सबसे बेहतर रास्ता यह है कि आप सबकी सुन लीजिए, फिर उस पर थोड़ा सा चिंतन और विचार करिए, और फिर आपको जो पॉजिटिव, जो सही लगे आपके पक्ष में, आप उसको करिए। किसी भी काम को करने में आपको लापरवाही, कोई ढिलाई या कोताही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ये घाटे का सौदा हो सकता है। तो काम को डीले नहीं करना है, ये भी आप ध्यान रखिए। इस साल जो भी काम करें, पूरी निष्ठा, पूरे मन और पूरे लगन के साथ अगर आप काम करेंगे तो सफलता आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होगी। इस साल 2016 में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है। इस साल अपने आप को एक लीडर की तरह आपको डेवलप करना है, पेश करना है, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। ज्यादा से ज्यादा नई चीजें सीखने का प्रयास आपको लोगों के बीच लोकप्रिय बना सकता है। इस साल आप खुद को बदलने का प्रयास करते रहें, जो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज हो सकती है। यह बदलाव आने वाले समय में आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। नई चीजें और नए स्किल्स को सीख करके आप आने वाले समय में अच्छा फायदा बना सकते हैं। इस साल जितना हो सके खुद को सच्चा बनाए रखने का, साफ सुथरा बनाए रखने का प्रयास आपको करना होगा। किसी भी तरीके की गंदी आदतें आपके अंदर ना आ जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बारी आती है मूलांक नौ की। मूलांक नौ के लिए यह साल 2016 पुरानी चीजों के बदलने और नई चीजों को जिंदगी में लाने और स्वीकार करने के लिए बहुत बेहतर वर्ष सिद्ध हो सकता है। इस साल आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी, सितारे आपके साथ हैं, आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा, बिजनेस, व्यापार, नौकरी भी इत्यादि में भी आपको लाभ मिलेगा, पदोन्नति की स्थिति भी आपके लिए बनती है। साल 2016 में क्या नहीं करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। साल 2016 में अपने गुस्से को आपको कंट्रोल करना है, अन्यथा किसी से बहुत बड़ा वाद विवाद हो सकता है, बड़ा झगड़ा हो सकता है, और ये झगड़ा, ये विवाद कोर्ट कचहरी, न्यायिक प्रक्रिया में भी आप फंस सकते हैं। किसी अन्य के मामले में दखलंदाजी करना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। ये तो बात रही न करने की, आइए मैं आपको बताता हूं कि अंक नौ वालों को साल 2016 में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। इस साल आप वो सभी काम कर सकते हैं जिनसे आपको प्रसन्नता और संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी काम न करें जिससे आप, जिस काम को करने के लिए आपका मन आपको आज्ञा न देता हो, यानी जब तक दिल राजी ना हो आप वो काम न करें। इस साल नई चीजें सीखना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस साल आपके ऊपर मंगल की स्थिति बनती है, मंगल की छाया बनती है, इसलिए जितना हो सके अपने गुस्से को, अपने क्रोध को आप नियंत्रित रखिए।
साल अगर आपको परेशान करने वाले लोग अभी भी आपको लगता है कि आपके साथ आसपास बन रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो ये साल आपको बेशुमार खुशियां मिलेंगी। वो लोग धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा इंतजार करिए और देखिए कि कैसे किस्मत आपके लिए खुशियों का रास्ता खोलती है। तो ये तो रहे 9 अंकों के मूलांक के आधार पर वर्ष 2016 का फलादेश। आप हमारे इस चैनल पर, YouTube चैनल पर, अपनी राशि अनुसार, अपने अंक के अनुसार कुछ उपाय भी जान सकते हैं और इन उपायों को अपना करके आने वाले वर्ष को शुभ और मंगलमय बना सकते हैं। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।